झुंझुनू में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है। IGS सेंगाथिर ने आज मैत्री व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म ग्रुप का आगाज किया। आज विधिवत रूप से मैत्री अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें जिला कलेक्टर रवि जैन और IG सेंगाथिर सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैत्री व्हाट्सएप ग्रुप के तहत आला अधिकारी से लेकर थाने के बीट कांस्टेबल तक इस ग्रुप में जुड़े हैं। ग्रुप में आमजन सहित 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह नागरिक क्षेत्र में हो रही आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों के बारे में सीधा ग्रुप पर जानकारी साझा कर पुलिस को बताते रहेंगे। बहुत ही अच्छा नवाचार शुरू किया झुंझुनू जिले में, जिसमें कि खासतौर से जो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं उनके विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको पुलिस को तुरंत सूचना मिले, वो पुलिस के टच में रहें और पुलिस प्रशासन इन रिटर्न तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करे। इसके लिए एक तो पहले सशक्त महिला अभियान शुरू किया एक महीना पहले, और आज से मैत्री व्हाट्सएप ग्रुप अभियान शुरू किया जिसमें करीब 1 लाख लोग इससे जुड़ेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि एक बहुत अभिनव पहल है जिसमें पुलिस प्रशासन खुद लोगों के पास जा रहा है। लोगों को डर लगता है पुलिस के पास जाने में, एक ऐसी धारणा बन जाती है कि पुलिस के पास जाएंगे तो क्या कार्रवाई होगी या नहीं, या किस तरह से बिहेवियर होगा, लेकिन पुलिस खुद लोगों के पास जा रही है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है। मैं आशा करता हूँ कि झुंझुनू जिले में ये जो अभियान चल रहा है ये पूरे राजस्थान में लागू होगा और यहाँ पर जो महिलाओं और बच्चियों के प्रति जो अपराध है उनमें डेफिनेटली कमी आएगी। अभी पूरे जिले में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा लोगों से संपर्क में रहेंगे। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे सूचनाएं जल्दी हमारे पास आएगी, त्वरित कार्रवाई किया जा सके।